जी समान नहीं जल रहा था, हमारा दिल जल रहा था। हमारी सारी जिंदगी का हम लोगों ने पता नहीं किस किस तरह अपने वसाइल बना के यहाँ पे कारोबार किए। जी मुश्ताक, मुश्ताक सर कौन से फ्लोर पे दुकान है? हमारी ग्राउंड फ्लोर पे दुकान है जी, 53 नंबर। अच्छा, क्या हुआ था आपको सुबह? सुबह के टाइम पे जी आतिश लगी हुई है दो दुकानों में, सेकंड फ्लोर पे। आप किधर थे उस वक्त? हम लोग तो घर थे, हमें तो इन्फॉर्म ही किया गया। लाहौर में रहते जी, यहीं पे लाहौर में रहते। तो कैसे खबर मिली, फोन पर, टीवी से? नहीं, मेरे एक दोस्त हैं वो यहाँ पे ना सुबह सुबह आते हैं, वो नाश्ता वगैरह सप्लाई करते हैं। वो जब यहाँ से गुजरे हैं उन्होंने देखा कि आग लगी है, फिर उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। फिर मैंने आगे जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं बिजनेस के हवाले से दुकानदारों के आपस में, मैंने उनमें शेयर किया, भाई साहब सबको पता चला। ठीक है, जैसे जैसे लोगों को पता चला वो आए, लेकिन दादी टीमें भी यही हैं, उन्होंने आके अपना काम किया है। फायर ब्रिगेड वाले कितने बजे पहुंचे थे, कुछ याद है? मैं तकरीबन पहुंचा हूँ जी 7 बजे के। 7 बजे जब आप पहुंचे, आपको क्या नजर आया? उस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक थी, आग के शोले लिपट रहे थे, बाहर निकल रहे थे बिल्डिंग से, और जो अपना आग बुझाने वाला हमला है 11-22 वाला वो आया हुआ था, वो आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। आपको क्या लगा उस वक्त कि आपका सामान बच जाए? उस वक्त तो ये लगा था कि ये कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं थी, दरमियान में प्लाजे के लगी थी, लेकिन वो बाहर से पानी उसको लगाते रहे। अगर वो उस वक्त अंदर पहुंच जाते जिन दुकानों पे आग लगी हुई थी, तो वो उनको कुछ आ पाती। तब आपको लगा कि अब कोई बचत नहीं होगी? तकरीबन को 9-10 बजे के करीब, जब आग के शोले जो है ना हवा के साथ तेज़ हो गए। हाँ जी, आग के शोले तेज़ हो गए हवा की वजह से। अब आग का फ्लो पीछे चैनमन की साइड से आगे मेन बुलेवार्ड की तरफ जा रहा। तब आपने हार मान ली थी? तब हार तो नहीं मानी थी, लेकिन ये है कि दिल बुझ गया था कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान के बाद ही को बच पाएंगे। क्या महसूस हुआ जब अपना सामान, अपना दुकान जलते हुए? सर जी सामान नहीं जल रहा था, हमारा दिल जल रहा था। हमारी सारी ज़िंदगी का हम लोगों ने पता नहीं किस किस तरह अपने वसाइल बना के यहाँ पर कारोबार किया। कितने पीसेस सामान आपका बचा? हमारा तकरीबन जी बिल्डिंग जो है ना वो तो आपको पता ही है कि 11 से 11 जो है ना वो डैमेज हुआ। आपकी अपनी दुकान थी? हमारी अपनी दुकान तो ग्राउंड फ्लोर पे थी, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक सेफ है। पानी का समय क्या कुछ अंदर आया दुकान? पानी को जब वो फायर ब्रिगेड वाले पानी ऊपर डालते रहे तो वो लाम हालाबाद है, नीचे ही आना था, वो नीचे दुकानों के अंदर भी गया है। उसने नीचे वाली दुकानों को बेसमेंट में और ग्राउंड में ज़्यादातर फर्नीचर को डैमेज किया है, लेकिन जो लोगों की इमलाक के अंदर जो सामान था वो उनका बच गया, बहुत ज़्यादा डैमेज। बच्चे बीवी इनको पता था कि ये आप पे गुजर रही है? घर में ये सारा जिंदगी का आलम था जी, बता के ही आए थे, वो दुआएं कर रहे थे हमारे लिए कि अल्लाह ताला हम पे रहमत करे। तो बस ये कुछ उनकी दुआएं हैं कि कुछ ना कुछ जो है ना वो सिलसिला हमारा तो बच गया, बाकी भी कुछ लोगों का 50% लोगों का काम सही था। आप समझते हैं कि इंतजामिया की जानिब से कुछ ऐसे इंतजाम थे जिससे आग बुझाई जा सकती थी? हमारे प्लाजा में फायर एक्सटेंशन भी होते हैं, हमारे प्लाजा में उन्होंने हंगामी सूरत में जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए पाइप और पानी ये सारा कुछ सिस्टम होता है, लेकिन वो सिस्टम शायद इन्होंने काफ़ी अच्छे से चेक नहीं किया था। अगर वो सिस्टम वर्किंग में होता तो दो दुकानों की आग बुझाने के लिए बहुत मवाद था यहाँ, लेकिन जब मौके पे जिन लोगों ने उनको बुझाने की कोशिश की है, जो बातें हमने सुनी है, उस वक्त उन लोगों ने जब उसको बुझाने की कोशिश की है तो वो एक